शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सो पहचानिए जो लड़े दिन के हैं, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खे, जो तो प्रेम के नन का चाओ, सिर दर तली गली मोरियाओ। सुना सो पहचानिए जो लड़े दिन के हैं, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खे, जो तो प्रेम के नन का चाओ, सिर दर तली गली मोरियाओ। मैं किशन सिंह, भगत सिंह का बाप। सुप्रीम साहब जरा बात कराओ हमारी। नहीं है जेलर साहब, नहीं है। देखो शाम से जेल के अंदर से नारों की आवाज आ रही है, हमारे बच्चों के बारे में कोई नहीं बताओ। जिंदाबाद सुखदेव, जिंदाबाद राजगुरु, जिंदाबाद। Come on! Get the axe! Move fast! Hurry! Quick! Hurry! किनारे अंग्रेजों ने कुछ लाशें जलाई हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ मुझे भी बताओ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भगत की माँ, कुछ नहीं। ओए गड्डी निकालो। बाबूजी क्या हो गया? पानी चुप गया हूं, तुसी आके जरा देख लो। भगत सिंह के मां-प्यो ने काका जरा कपड़ा चुक्की। जानते नहीं ये लोग, कुछ नहीं होगा, आइए। हटिए आप पीछे, शांत रहिए आप लोग, शांत। ये लीजिए हमारी तरफ से भेंट, लीजिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आप चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन आपने उन्हें बचाया नहीं। देखो, उन्हें बचाने के लिए मैं खुशी से अपना जीवन भी दे देता, पर बेटे सच बात तो यह है कि वो खुद ही जीना नहीं चाहते थे। अंग्रेज सरकार की तरह आप भी नहीं चाहते थे कि वो जिए, इसलिए आपने कोशिश ही नहीं की। मैं भगत सिंह की बहादुरी और कुर्बानी को प्रणाम करता हूँ, उनकी देशभक्त की भावना का भी आदर करता हूँ, लेकिन मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, इसीलिए मैं उनकी फांसी के पक्ष में भी नहीं था। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। क्यों? क्यों यकीन करें आपका? इतिहास आपसे ये सवाल हमेशा करेगा। गांधी हाय हाय, गांधी हाय हाय, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु। भगत, भगत कहाँ तू? भगत, भगत चल। You understand what the roll-up hat says? I said harder. साहिबान, आज वसाकी का दिन है, हम यहाँ किसी किस्म का फसाद। Positions, load, fire। किशन सिंह जी, किशन सिंह जी, ससिकाल ज्वाला सिंह जी। शाम 5 बजे जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म दे देता, अपने हजारों आदमी मारे गए। नहीं हुए हैं। आज की हमारी ये मीटिंग कानून को चैलेंज करने के लिए नहीं, बल्कि सरकार से ये अपील करने के लिए है कि वो अपने कर्फ्यू के फैसले पर फिर से गौर करें और हमारे लीडर हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, मगर हिंसा से नहीं, अहिंसा से। हमारा हथियार होगा पूर्ण असहयोग आंदोलन, टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कोई हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ ना दे, हर सरकारी नौकर नौकरियां छोड़ दें, मजदूर फैक्ट्री से निकल आएं, बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दें, कोई किसी तरह का टैक्स ना दें, सारे विदेशी कपड़े जला दो। ऐसा करो कि इस ब्रिटिश सरकार का यहाँ सारा कामकाज रुक जाए। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं वादा करता हूँ कि 1 साल में हमें आज़ादी मिल जाएगी। भाई मेहता जी, हाँ। आज का अखबार तो देख लिया ना? हाँ देखा जी देखा। इंग्लैंड के सारे सरमाएदार भी परेशान हैं। उनके जहाज भरे के भरे यहाँ से वापस लौट रहे हैं। मैं कहता हूँ जी, ये नेशनल बाइकाट में बड़ी ताकत होती है। हाँ जी, बड़ी बड़ी हुकूमतों को हिला के रख देती है। अब तो देखना ये गोरी सरकार कब तक टिकती है। बिल्कुल नहीं टिकेगी बापूजी। आजा भाई, आजा आजा। गांधी जी ने कहा है चंद महीनों की बात है, अब हमारे देश को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, रुक रुक, कहाँ घूमता फिरता है? सुना है आज पुलिस वालों के साथ भी झपट हो गई, कहीं झूठ वूट तो नहीं लगी ना? अब हमारे चोट खाने के दिन गए माँ। गांधी जी के आंदोलन ने अंग्रेजों की जान आफत में डाल दी है। चलो छोटी खा ले चल। गांधी जी जिंदाबाद, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिंदाबाद, नामिल विरता जिंदाबाद, गांधी जी। इस असहयोग आंदोलन में पूरे लाहलपुर में आपका बेटा ही सबसे आगे है। जी मेरा कहाँ रह गया, अब तो गांधी जी का हो गया। एक लफ्ज नहीं सुन सकता उनके खिलाफ। अच्छा हाँ जी। एक बात बतलाओ चाची, अगर अजीत चाचा एकदम से तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगी? क्यों मजाक कर रहा है भगत, क्या वो दिन आएगा कभी? आएगा क्या चाची, आ रहा है। सच कह रहा हूँ, भगवान खुद गांधी बन के आए हैं इस मुल्क में। तैयार हो जाओ, 1 साल के अंदर अंदर आजादी आ रही है। वंदे मातरम जी। मेहता जी जी, कल का जुलूस अनारकली चौक से निकालना है। जी जी। हाँ जी, हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? भगत। भगत? हम उसे अपने पास ही रखेंगे। ओ भाई, भगत हमारे पास ही है, कौन दूर ले जाएगा उसको हमसे? आप देख नहीं रहे उसकी उम्र ही क्या है, इतनी छोटी सी उम्र में देश के लिए इतना जुनून, वतन, आजादी, ये सब अपनी जगह सही है, लेकिन इस घर ने इतना देखा है, इतना सहा है। स्वर्ण, अजीत, बस अब भगत नहीं, भगत नहीं, भगत नहीं। किशन सिंह जी, किशन सिंह जी, एक बहुत बुरी खबर है जी। गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जी। क्या? हाँ। क्या बोल रहे हो जी? हाँ जी, मैं अभी रेडियो के ऊपर सुनकर आ रहा हूँ जी। चौरी चौरा में शान जुलूस के ऊपर पुलिस ने गोलियां चला दी, कुछ लोग मर गए। इससे भड़क कर लोगों ने थाने में आग लगा दी, 22 पुलिस भी मारे गए। इस बात से नाराज होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन ही वापस ले लिया। उन्होंने कहा स्वतंत्रता के लिए अभी अपना देश पूरी तरह तैयार नहीं है। वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जाने दो उसे भगवान, कच्ची उम्र का घाव है, भरने में वक्त लगेगा। हाँ यही है, बिल्कुल यही वाला। मंगल पांडे के बाप का नाम बता। जी। अबे इधर उधर क्या देख रहा है? सुना नहीं सुखदेव भाई ने क्या पूछा? नाम बता। जी नहीं मालूम। इस फ्रीडम फाइटर का नाम भी लिख ले जयगोपाल। नाम बोल। जी अतुल सचदेव। कॉलेज के बाद कैंटीन में आ जाना। शाम को कैंटीन में। कल मैं बोट क्लब जा रहा हूँ, ऐसा करते हैं परसों मिलते हैं। ठीक है ठीक है, परसों मिलते हैं। मिलनसार मामना मदन मोहन मालवीय जी का पूरा नाम बता। जी बता बता। अबे नलायक, पूरा नाम ही तो बोल रहा हूं मैं। विलायती बाबू। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आया था? जी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। 20 अक्टूबर 1774। वाह मेरे देश प्रेमी, तू ही लाएगा क्रांति इस देश में। देख रहे हो भगवती भाई, ये हाल है। उनका इतिहास डिटेल में मालूम है, जो नहीं पूछा वो भी बता रहा है। इसमें इनका दोष नहीं है सुखदेव, हमारे कॉलेजों में आजकल उन्हीं का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, हमारा भुलाया जा रहा है। इसीलिए सारा मामला अब मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ। आज से इन सब की क्लास मैं लूंगा कॉलेज के बाद। नाम लिखा? नाम बोल। जी मार्कंड त्रिवेदी। शाम को कॉलेज के बाद कैंटीन में आ जाना। जी आज नहीं आ सकता। क्यों आज क्यों नहीं बे? आज रॉबर्ट क्लाइव का जन्मदिन है क्या? जी आज वो जो लेफ्टिनेंट ग्राउंड के सामने शो है उसमें मेरा भी एक आइटम है। ओए मना किया था ना मैंने, नेशनल कॉलेज का कोई बंदा उन अंग्रेज लंगूरों के सामने नाचेगा गाएगा नहीं। सुखदेव भाई आप यहाँ सबको मना करते जा रहे हैं, और इसी कॉलेज का लड़का कुछ लड़कों को लेकर वहाँ शो करने गया है। कौन गया है? पता नहीं, मैं देखता हूँ शो कैसे करेगा। टमाटर अंडे का इंतजाम कर जयगोपाल, हो जाएगा। नाम पता है किसी को? हाँ मैं जानता हूँ। अरे वो लंबा सा सरदार नहीं है जो किसी से बात नहीं करता, क्लासरूम में कम और लाइब्रेरी में किताबों में मुंह डाले ज्यादा बैठा रहता है, क्या नाम है उसका? अच्छा अच्छा वो लालपुर का बंदा। हाँ भगत सिंह नाम है उसका। भगत सिंह? संभाल होए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, तेरा लुटना जाए, ओ तेरा लुटना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल होए। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले, कर दे इनकी पल्ले पल्ले। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले, कर दे इनकी पल्ले पल्ले। टुणु 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 पल्ले पल्ले, टुणु 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 पल्ले ओ पल्ले ओ पल्ले। झुकाए झुकाए यारो जो कभी भी हिम्मत ना हारे, आदमी यहाँ पे जो चाहे यारो वो जमीन पे लाए सितारे। बांधा किसने तेज हवा को, वक्त को किसने देखा, मेहनत से ही बदलेगी तेरे हाथों की देखा। तेरा लुटना जाए, तेरा लुटना जाए मार जट्टा पगड़ी संभाल गए। जट्टा आज हम करेंगे ये वादा, पैरियों को मिलके मिटाना मिटाना जट्टा है यही तो अपना इरादा। फौलादी है बाहें तेरी, पत्थर को है सीना, करते करते इन गोरों का अब तो मुश्किल जीना। तेरा लुटना जाए, और तेरा लुटना जाए मार जट्टा पगड़ी संभाल पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गए, पगड़ी संभाल, जट्टा पगड़ी संभाल गोए, तेरा लुट ना जाए, ओ तेरा लुट ना जाए माल, जट्टा पगड़ी संभाल गोए। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें, बढ़ जा ऐसा इनके पल्ले, कर दे इनकी पल्ले पल्ले, टड़ो 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 पल्ले पल्ले, टड़ो 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 पल्ले ओ पल्ले, टड़ो 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 पल्ले पल्ले, टड़ो 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 पल्ले ओ पल्ले, टड़ो 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 पल्ले पल्ले, टड़ो 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 पल्ले पल्ले। भगत नीचे से, नीचे से भगत, नीचे से गलत बात है यार। सदार तेरी माँ बहुत घी मक्खन खिलाती है यार। और दांत क्या फाड़ रहा है, चल लस्सी ले क्या। आज का अखबार देखा है भगत? क्यों, क्या है? लाला लाजपत राय हिंदू महासभा को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ने किनारे कर दिया ना, इसलिए ये कदम उठाया है। अब कल पर्चा छपेगा कि भारत के पवित्र स्वाधीनता संग्राम में कभी मत भूलो कि तुम हिंदू हो। फिर मुस्लिम लीडर कुछ बोलेंगे, धर्म और जात पात के नाम पर आपस में लड़ते रहे तो मिल चुकी आजादी। तो ये साले गोरे लंगूर, इधर ला बॉल, बॉल इधर ला। कितनी बार समझाया बॉल इधर ना मारा करो, ना मारा करो। Hey, give me the ball. I said the ball. Didn't you hear? Did you not hear what I said yesterday? If the ball comes here again, you will not get it back. Hey, Darky, we can play wherever we want. Don't forget, this is our ground. And you don't forget, this is our country. देश का तो पता नहीं भगत, मगर इस मैदान को तो आज ही आजाद कराकर छोड़ेंगे। What did he say? He said that we don't know about the country, but this ground will be free today from गोरेलंगूर। लगता है पिटने का मन बना ही लिया है। काहे किसी का मन दुखाएं? उठा लो भाई, एक चलो। बातों के भूत बातों से नहीं मानते। You care to translate, you darky? With pleasure, गोरे लंगूर। Ghosts of kicks do not understand words. ये बाएं से दूसरे वाला मेरा, और ये लंबे मुंह वाला तो मेरे हथे चढ़े। लड़की जैसे चूजे को तो मैं लूंगा, बगैर टोपी वाले का सर मैं फोड़ूंगा। Let's go. We'll get them some other day. ओए ओए, ये तो बिना पिटे ही लौट गए। ओए लौटते कैसे नहीं, इरादा भी देख लिया और मुकद्दरों का साइज भी। इसी बात का तो इंतजार है दोस्त, जिस दिन सारा देश मिलकर खड़ा हो गया ना, ये लोग ऐसे ही लौट जाएंगे। भगवती भाई आ गया। भगवती भाई, शादी होने का ये फायदा है, आदमी कहीं भी हो खाना वक्त पे पहुंच जाए। हंसता क्या है, हैं? मैं अकेला खाता हूँ क्या? तुम लोगों को भी तो भेजती है। अब तुम में से कोई डिब्बे को हाथ लगा के दिखाए। दुर्गा भाभी ने खाना भेजा है भाई आपके लिए। बोलो दुर्गा भाभी की जय। अबे खैरू, तू भी खा ले। भैया आज नहीं, आज अपनी बीवी और बहन के साथ पहली बार सिनेमा देखने जा रहा हूँ। कौन है यार अपना पासे? आजा 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 आइया। How dare you, you dagger! You read? Yeah! Don't do it! Hit him out! Bastard, you blood bastard! Let's get in there! Come on, bloody bastard! You bloody beggar! Come on! एचआरए का पैम्फलेट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सान्याल बाबू ने बनाई है। पुराने सभी क्रांतिकारी हैं इसमें। टारगेट है आजाद भारत। ये हुई ना बात। कभी होम रूल सोसाइटी तो कभी गदर पार्टी, अब एक और एचआरए। यार ये ऑर्गेनाइजेशन से कुछ होना जाना नहीं है। तो फिर किससे होना जाना है? देख भगत, तू मान या ना मान, ये कांग्रेस पिछले 30 साल से टिकी तो हुई है। टिकी हुई है क्योंकि वो सिर्फ टिकी रहना चाहती है। अरे वो काम भी करना चाहती है लेकिन नॉन कोऑपरेशन को छोड़कर, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन को क्यों छोड़ूं? उसी की बात कर। वहाँ थोड़ी दिक्कत है क्योंकि फिर तुम चौरी चौरा की बात करोगे। अबे बात क्यों नहीं करेंगे? वहाँ कांड नहीं हुआ था क्या? अरे यार कांड हुआ था लेकिन वहाँ पर थाने में आग लगाने की क्या जरूरत थी भीड़ को? तो थाने के दरवाजे में मत्था टेक के आगे निकल जाते क्या? कांग्रेसी साहित्य पढ़ के आ गया आईसीएस की औलाद। यार तू देख सुखदेव, तू तहजीब से बात कर। यहाँ पर सबको अपने ओपिनियन रखने का हक है। मैं आज फिर कहता हूँ कि इस गांधी नाम के बंदे में कुछ बात है। बात तो है। मुल्क के 12-13 साल के मासूम बच्चे जिस आदमी के लिए सड़कों पर आ सकते हैं उसमें बात तो होगी। गांधी जी ने कहा है कि गोरों की पढ़ाई नहीं चाहिए। बस्ते नाली में डालकर बच्चे तैयार, कापी पेंसिलों को आग लगाकर बच्चे तैयार। अपने छोटे छोटे हाथों से पैम्फलेट बांटते थे, प्लाकार्ड उठाते थे और फिर अचानक एक दिन पता चला कि मूवमेंट वापस ले लिया गया है। सरकारी स्कूलों के गेट उनके लिए बंद है, सरकारी कॉलेजों में दाखिला मुमकिन नहीं। कहाँ जाते, क्या करते, तुम्हें तो याद होगा। अगर लाला जी ने हम जैसों के लिए नेशनल कॉलेज नहीं खुलवाया होता तो दर दर की ठोकरें खा रहे होते। ठोकरें खाए मेरी जूती, मैं तो आज भी 8-10 को अपने घर में नौकरी पर रख सकता हूँ। अबे साले, छोड़ दो भगवती भाई मुझे। चौरी चौरा के सिपाहियों का मरना याद है तुझे? उनका नहीं जो उनकी गोलियों से मारे गए थे। जलियांवाला कांड को भुला दोगे तुम क्योंकि तुम्हारा माँ बाप भाई बहन कोई नहीं था वहां पे। सुखदेव विद्यालंकार जी, अगर भगवती भाई ने रोका नहीं होता तो उस मार्कंड के बच्चे का सर फोड़ देता मैं। खैरू क्या हुआ? ऐसे सिनेमा देखने गया था कल रात, गलती से एक क्लास में घुस गया। वहां कुछ अंग्रेजों ने मारा इसको, वही जो क्रिकेट खेलने आते हैं। जानते हो अगर पुलिस पकड़ लेती तो क्या होता? पिटाई होती, जेल चले जाते। वहां सुख की नींद ही सोते, ये तसल्ली रहती कि हमने कुछ किया। तुम सोचते हो इस तरह 2-4 अंग्रेज लड़कों को मार देने से ये लोग बाज आ जाएंगे? नहीं आएंगे, फिर मारेंगे। और तुम्हारी मार के डर से अंग्रेज हमारा देश छोड़ के भाग जाएंगे। तो ठीक है सर, कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। अरे चुप रहने को कौन कहता है? विरोध तो जरूरी है लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, अहिंसा। सिर्फ गांधी एक रास्ता नहीं है भगत। अवाम अपने आप में इतना ताकतवर होता है कि अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वो बड़ी से बड़ी सत्ता को उखाड़ के फेंक सकता है, जैसा कि रूसी क्रांति में कम्युनिस्ट पार्टी ने कर दिखाया। जो रूस में हुआ वो यहां भी हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। एक ऐसी पार्टी है जो वही कोशिश यहां कर रही है, जो डायरेक्ट एक्शन पर विश्वास रखती है। कौन सी सर? उस दिन कैंटीन में तुम लोग जिसकी बातें कर रहे थे, एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ज्वाइन करना चाहोगे? यस सर। बिल्कुल सर। सोच लो, ये रास्ता खतरों से भरा है। एक क्रांतिकारी के लिए उसकी पार्टी, उसका मकसद सब कुछ है। फिर उसके जीवन में ना कोई आराम, ना कोई खुशी, ना सुख, ना प्यार, ना घर, ना परिवार, कुछ नहीं। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं सर। ओए भगत, बड़ी रौनक है तेरे घर में आज। मैं भी वही सोच रहे हैं यार। ओ बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। किस बात की? चक्कर क्या है भैया? बड़ी देर लगा दी वीरा। कौन लोग हैं? मानावाली से आए हैं, बाबूजी ने खाने पे बुलाया है और आपका रिश्ता भी पक्का होगा। रिश्ता? हाँ, तेजा सिंह का पूरा खानदान आया है और मेरी होने वाली भाभी भी। ओए भाभी। भगत। ओए पुत्र, छेती नाल कपड़े बदल के नीचे आ जा तू। जी बापूजी। अब मैं क्या? माँ, ये है जी मेरा पुत्र। तारीफ न कर जी, तारे पुत्र तेरा बड़ा नाम सुनिया। मेरे पिंड को बड़ा फक्र है कि तू हमारा जवाई होने जा रहा है। मामा, मैं भी आई। देखिया माँ, क्या कर रहे हैं आप लोग? तेरे ब्याह की तैयारी। तेरे बाबूजी ने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। ओए, तेरे दादी ने तेरे बाप से पूछा था जो तेरा बाप तुझसे पूछेगा। लेकिन मामा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, हर वक्त अपनी मनमानी क्या करता है। तू नास्तिक बन गया, हमने कुछ कहा? चल जा ऊपर, जा कपड़े बदल कर आ। नहीं, नहीं मामा। लेकिन यार ये शादी और चौड़ा शादी। खाओ जलेबी। ओए थापरा। जी बाबूजी। भगवती, मैं तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, अगर भगत ने शादी से इनकार कर दिया तो मैं तुम दोनों को मार मार के दुम्बा बना दूंगा। जी, क्या बना दूंगा? जी दुम्बा। हाँ, ना हुन खाओ राज के। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सुनिए, दरअसल बात यह है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। देखिए, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। किसी और को चाहते हैं आप? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझ में कोई खोट है? बिल्कुल नहीं। आप सुंदर हैं, नेक हैं, खुश नसीब होगा जो आपसे शादी करेगा। तो फिर आप क्यों इनकार कर रहे हैं? मैं शादी के लिए नहीं बना। जो रास्ता मैंने अपने लिए चुना है उसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं। कोई बात नहीं, मैं साथ चलूंगी। दुनिया भर की दुख तकलीफें हैं, सब सह लूंगी। लेकिन मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। अगर मैं लौट के नहीं आया तो? भगत। जनाब वालिद साहब, आपको याद होगा कि मेरे जनेऊ के वक्त बड़े पापा जी ने मुझे देश के नाम अर्पित कर दिया था। इसे मैं अपनी खुशनसीबी मानता हूँ। देश की आज़ादी के सिवा अब मेरी ज़िंदगी में कोई और चीज़ मायने नहीं रखती, इसीलिए मैं उसी रास्ते पर जा रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगे। आपका भगत। इधर सर। यूनिफॉर्म वाले बहुत घूम रहे हैं। यूनिफॉर्म से ज़्यादा शादी वर्दी में पुलिस है। ये कानपुर भैया, रेवोल्यूशनरी कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ क्रांतिकारी पुलिस के साथ छिपा छिपी खेलते हैं। अरे मेस्टन रोड चलो। कितने बजे का टाइम दिया था बिस्मिल साहब? 8 बजे का वक्त दिया, पहुँच जाएंगे। तो तय ये हुआ है, काकोरी क्रॉस होने के बाद ट्रेन रोकी जाएगी और वहीं सरकारी तिजोरी पे हमला होगा। माफ़ कीजिएगा पंडित जी, मैं एक बार फिर कहता हूँ, ट्रेन में हथियारबंद पुलिस होगी। ये काम बड़ा जोखिम का है। HRA में हर काम जोखिम का ही होता है। अगर प्रचार करना है, हथियारों की जरूरत है तो पैसा तो लगेगा ही। मनमत साहब। खान साहब, क्यों ना हम पहले की तरह किसी सेठ या जमींदार के घर पे धावा बोल दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने ही देशवासियों को लूटकर पैसे तो मिल जाते हैं, पर उस आवाम की आंखों में बदनाम हो जाते हैं जिसकी आजादी के लिए हम लड़ रहे हैं। इसलिए इस बार हमने फैसला किया है कि सरकारी खजाना ही लूटेंगे। पंडित जी, वो खजाना भी तो हमारा ही है जैसे अंग्रेज लूट कर ले जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा रोशन सिंह। तो सब तय हो चुका है। वक्त पे पहुंच गए। किसी को कोई शक, कोई संदेह? तो कॉमरेड्स। आओ भगत। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आओ भगत सिंह आओ। हम राम प्रसाद बिस्मिल, विद्यालंकर जी की चिट्ठी मिली हमें। क्यों आना चाहते हो हमारी पार्टी में? जिस वजह से आपने पार्टी बनाई, अपनी वजह बताओ। वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। कैसे मिलेगी? लड़के। अंधेरे में 3-4 छोकरों को पीट देने को लड़ना कहते हो? वो शुरुआत थी। लड़ तो हम पिछले 150 सालों से रहे हैं, अब तक तो नहीं मिली आजादी। शायद लड़ने के तरीके में कहीं गलती रही हो। इतिहास कहता है कि क्रांति तब कामयाब होती है जब क्रांतिकारी पार्टी आवाम के साथ। अच्छा 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 अच्छा, 4 किताबें क्या पढ़ ली? चले क्रांति क्रांति खेलने। हाँ, खाते पीते घर के हो, सोचा कुछ एडवेंचर ही कर ले। जिस दिन पुलिस के हाथ लग गए ना, बर्फ पर नंगा लिटाकर वो चाबुक पड़ेंगे कि सारी की सारी गर्मी उतर जाएगी। जाओ बेटा जाओ, जाओ जाओ, ये संघर्ष खून मांगता है, खून। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल साहब, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से टपका हुआ एक बूंद खून आने वाली नस्ल के सारे खून में उबाला ला सकता है या नहीं। यही इकलौती ख्वाहिश लेकर पला बड़ा हुआ। करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श मानता हूं, और बाकी अपने आसपास इतना कुछ देख चुका हूं कि बर्फ की सिलियां और चमड़े के चाबुक मेरे इरादों को टिका नहीं सकते। लौट के आने के बाद बहुत सारी बातें करेंगे। कॉमरेड्स, हमारे नए साथी भगत सिंह। सबके सब पकड़े गए। खबर तो यही आई है। सिर्फ पंडित जी हमेशा की तरह चकमा देके कहाँ गए? सुना है पटना की तरफ गए हैं, पुलिस उनके पीछे है। इसका मतलब पुलिस हमारे ठिकानों पे भी आ सकती है। उससे पहले जरूरी कागजात, कारतूस वगैरह निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा जोखिम है। हो सकता है पुलिस उस ठिकाने पर भी नजर रख रही हो। मैं पहले अंदर जाऊंगा, तुम लोग ठिकानों का चारों तरफ से मुआयना करके अंदर आना। चलो 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 चलो। तुम कौन हो? बताओ कौन हो तुम? तुम कौन हो? बताओ कौन हो तुम? पंडित जी, ये हमारा नए साथी भगत सिंह है। भगत? ये चंद्रशेखर आजाद। तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए था भगत सिंह, जान भी जा सकती थी। पार्टी का असूल है किसी अजनबी को अपना नाम ना बताएं। बिस्मिल जी से तुम्हारी तारीफ सुनी थी, आज देख लिया। पंडित जी, अखबार में जो कुछ भी छपा है क्या वो सच है? क्या सबके सब पकड़े गए? हाँ, सब खत्म हो गया। सालों साल की मेहनत, जमा जमाया ग्रुप, सब एक झटके में खत्म हो गया। अब तो उम्र कैद के दौर चलेंगे, फांसियां होंगी। अभी बहुत कुछ करना बाकी था, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ पंडित जी। शरीर कैद किया जा सकता है, विचार नहीं। दुश्मन आदमी को मार सकता है, उसके आदर्शों को नहीं। और जब तक आदर्श जिंदा है, पार्टी जिंदा है। हम उस आदर्श को अपने खून से सींचेंगे पंडित जी। हमारी पार्टी का मकसद है इनकलाब, और हम उस इनकलाब को आवाम तक ले जाएंगे, चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन कर, सुलगती सी निगाहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, निशाने में जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। अगर तुम लोग इस तरह आपस में लड़ते रहोगे तो अंग्रेजों से कैसे लड़ोगे? चलो गले मिलो। कौमी एकता जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, कौमी एकता जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद। So why wasn't I informed earlier? These meetings have been going on for what, a year now? This Naojawand Bharat Sabha seems to be everywhere. Didn't seem like a problem, sir. Let me be the judge of that, officer. Sorry, sir. I thought after Kakouri, all these so-called revolutionaries were finished. Who's the leader of this organization? वैसे तो वो कई नामों से जाना जाता है, सर। पर उसका असली नाम है भगत सिंह। Bhagat Singh? Yes, sir. What else do you know about him? वो पुराने क्रांतिकारियों पर लेख लिखता है, पर्चे बांटता है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है और दोनों को साथ बिठाकर। Arrest him. He's a dangerous man. Arrest him immediately. Right, sir. भीड़ में बम फोड़ने की सजा जानता है ना तू? अब भी वक्त है, गुनाह कबूल कर ले, सजा कम हो सकती है। ये गिरी हुई हरकत तुम लोगों ने की है मुझे फंसाने के लिए, क्योंकि तुम लोग डर गए हो और डरना भी चाहिए। आवाम जाग रहा है, इन अंग्रेजों से कह दो कि दुम दबा कर निकल लें, वरना लात मारकर खदेड़े जाएंगे। What did he say? Sir, I am saying the choice is yours, sir. Leave my land or get thrown out. मैं नहीं रुकने वाला, ऐसे ही पीटता रहूंगा तुझे जिंदगी भर। 60,000 रुपए की जमानत है तेरे सर पर, सड़ जाएगा इस चार दीवारी में, पर ये रकम नहीं जमा कर पाएगा तू। दरोगा साहब, क्या है? इसके बाप ने इसकी जमानत दे दी। क्या? इतने मायूस ना होइए दरोगा साहब, दोबारा मुलाकात जरूर होगी, क्योंकि मैं भी रुकने वाला नहीं हूँ। बब्बे, बब्बे वीरा आ गया। आ मेरे लाल, रब का लाख लाख शुक्र है। ये कुड़ियो, अमरो, विद्या, आली, आ गया मेरा पागा वाला, आ गया मेरा पगता। पढ़ाई चंगी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। क्या ले? ठीक हूँ। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। वीरा कैसी है? चंगी है वीरा। हरिपन जिंदा रह पुत्रा। जानिया माने मेरे लाल। हाय जीता रे, क्या हाल बना देता जाली माँ ने। खाने को नहीं देते थे क्या? देते थे माँ। मारिया कुटिया तेनी पुत्रा। क्यों कुटन गए? मैं कोई चोरू चक्का हूँ? फिर अन्य रोज तुम्हें अंदर क्यों रखा उन्होंने? वो बेबे गप्पा मारन ली। जिस तरह तुम्हें मेरी गप्पे अच्छी लगती हैं, हाँ? उन्हें भी अच्छी लगती थी। हाँ? मेरी हर बात पर वो तुम्हारी तरह दांत निकाल कर हंसते थे। अच्छा। सिर्फ तुम्हारी तरह उनके दांत नकली नहीं थे। नकली? मेरे नकली दांत है? असली दंदों को नकली बना देता है। चाह गन्ना तोड़ के लिया, मैं उन्हें तेरे चूट के बखानी है। जिंदा रह पागा वाले, आज कितने दिनों के बाद इस आंगन में हादसे की आवाज आई है। पुत्र हुंटा सानू छटके ना जाए। ओए नहीं जाएगा बेबे, कैसे जाएगा? पूरे 60,000 की जमानत हुई है, अब इसके लिए दूध की डेयरी खोल दी है, वहीं बैठेगा, है ना भगत? अच्छा बापूजी, सुन लिया सुन लिया। कुछ नहीं हुआ माँ, बस जरा सा। नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। सुन लिया तूने? झूठ भी बोलने लगा है, कह रहा था मारा पीटा नहीं। देख पुत्र, मैं अब तुझसे दूर नहीं रह सकती। नहीं। तू मुझसे दूर कब है माँ? तू तो हमेशा। बस बस, जानती हूँ बड़ा अच्छा बोलता है तू। तू अब मुझे छोड़कर मत जा, दिल लगाकर डेयरी में काम कर ले, ठीक है ना? अच्छा लस्सी तो पिला। ठीक से नहीं चल रहा है यशपाल, कल भी तुम पर्चे बांटे बिना आ गए। 2 बार तो गया था, पूरी कोशिश करी थी, लेकिन वो थानेदार बड़ा बदमाश है यार। ओए पुलिस वालों का ध्यान मैं बटा दूंगा। जयगोपाल, उस थानेदार की ना सारी भैंसे खोल देंगे रात को, पुलिस वाले भैंसे ही ढूंढते रह जाएंगे। तो फिर पर्चे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2 दिन बाद वहाँ मैजिक लैंटन शो भी कर लेंगे, तैयारी रखना। अरे भगत, पंडित जी की चिट्ठी पूरी हो गई है, और कुछ जोड़ना है इसमें? लिख दो, इस बार उनका कोड है चार्ली चैपलिन। बेड़ा गर्क, जयदेव फिर गिर गया। तुझे मना किया था ना, है? फिर क्यों दोहरा था मैच? देख कितना दूध गिरा दिया। बोले यार, अब बापू जी समझेंगे, सारा दूध हम पी गए। छाड़े यार, तुझे दूध की पड़ी हुई है। मेरी माँ शोका समझती है मैं पुलिस की लाठियां खा रहा हूँ, क्रांति कर रहा हूँ। उसे पता चल जाए भैंस की लात खा रहा हूँ तो मुझे लात मार के चली जाएगी। कुड़िया ओए किथे? ओए माना वाली। कौन माना वाली? ओए भगत की होने वाली। ओए कौन सी यार, इसमें तो कई है। ओए वो जो इधर नहीं देख रही है वही है। मैं क्या परजाई जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तू चलना, तू चला सी आ रही है जी। हम यहाँ मेले में आए थे और चलते चलते गला सूख गया, इसलिए हमने सोचा कि। अच्छा सोचा जी, अच्छा सोचा। अपनी डेरी है, अपने भगत की डेरी है। आओ दूध शूध पी लो। आ जाओ जी, आप लोग भी आ जाओ। अरे बैठिए, आराम से बैठिए। जटिया प्यास तो बहाना है, तेरे से मिलने आई है। ओ बुला के बिठा तो सही। सुखदेव रुक, ओ बुलाओ नू, ओ ठहर, ओ बुला ले, बुला ले। आओ जी, आओ जी, आओ जी, अजी की लावा, मक्खन लावा, दूध लावा। बंगाल से कोई नहीं आया। उनका कहना है कि वो हमारे विचारों से सहमत नहीं है। अरे इसलिए तो ये मीटिंग बुलाई है कि सब साथ साथ बैठकर एक दूसरे के विचार और तरीके समझ लें। बिजॉय, अब एकजुट होकर काम करने का समय आ गया है। मुझसे जितना हो सका मैंने समझाया। ओए सरदार भगत सिंह, क्या हाल है? ओए बड़ी जल्दी रिहा हो गया डेरी से। ओए एक साल हो गया तेरी बड़ी जल्दी ले बुट्टा ले। और अगर दुनी चंद जी की दलील से केस सॉल्व नहीं होता तो 60,000 के चक्कर में जिंदगी भर लगे रहते। गाय भैंसे धो और क्रांति लाओ। क्रांति का तो पता नहीं, लेकिन मेरी बेबे जरूर खुश हो जाती। ओए सिर्फ बेबे या मानना वाली भी? ओए 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 यार, मैं मजा कर रहा यार। ओ छोड़ छोड़, ओए 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 नहीं, देख मैं भुट्टा मार दूंगा, भुट्टा मार दूंगा। ओए पागल हो गया सरदार यार, लग जाएगी। ओए और तेरी के बच जाएगा। ओ ओए ओए ओ सरदार, ओए ओए नहीं, ओए ओ यार ये टूटा हुआ है यार, थोड़ी देना ना। ओ कोई है, बुआ खोल, बुआ ओ छोड़। यशपाल रसगुल्ले लाने गए थे, ये क्या उठा लाए? यहाँ का पता पूछ रहा था, कह रहा था पंडित जी ने भेजा है। कोड नहीं बताया तो उठा लाए इसे। खोलो। ओए सीधा बैठ। कौन हो तुम? देखिए भाई साहब, मुझे चंद्रशेखर आजाद जी ने भेजा है मोजांग हाउस पहुंचने के लिए। पता ही पूछ रहा था कि पहुंच गए। कहाँ? और यही है मोजांग हाउस। अच्छा, कोड बता। कोड 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 कोड। नाम बता इसका। ओए अपना नाम बता। मेरा नाम बता दो ना। हरि शिवराम राजगुरु। नहीं, शिवराम हरि राजगुरु ऐसे कुछ है। चल काम बता। फिर से नाम बताऊं? ओए काम बता। देखिए, मैं भी आपके ग्रुप का नया मेंबर हूँ, एचआरए का। ये आजाद जी ने ये चिट्ठी भेजी है भगत सिंह के नाम। भगत सिंह कौन है? ला इधर ला। ये चिट्ठी तो भगत सिंह को ही दूंगा मैं। ओए चिट्ठी इधर ला, चैपलिन की औलाद। हाँ, चार्ली चैपलिन। अरे यही तो कोड है। हाँ, चार्ली चैपलिन यही कोड है। थैंक यू, आभारी है, धन्यवाद। मैं भगत सिंह हूँ। आप भगत सिंह हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। पंडित जी भी बहुत तारीफ करते हैं आपकी। सुना है कि आपने बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई है कोटला में। सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्रांतिकारी इकट्ठा होने वाले हैं। मैं आया हूँ मराठा देश से, वीर मराठा शिवाजी का बच्चा। एक्सपर्ट शूटर हूँ, एकदम निडर। लेकिन आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हाँ, लेकिन बस इतना ही कि आप ही के साथ जीऊँगा और आप ही के साथ मरूंगा। पार्टी के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। पार्टी का मकसद जानते हो? आजादी। आजादी हमारा मकसद नहीं है। कि भूल चुकी क्या? की बोले ये क्या कह रहा भगत? सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है? कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना। एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो। एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। ये आदर्शवादी कल्पना है भगत, तुम असंभव बात कर रहे हो। मुश्किल है फोनीदा, असंभव नहीं। हिंदुस्तान जहां इतने सारे धर्म, जातियां, भाषाएं, कल्चर्स हैं, उसे एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं। लेकिन अगर हम इस बात को आज नहीं समझेंगे और इस मसले को लेकर आज से संघर्ष नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान कल एक आजाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। कॉमरेड्स, हम सबको मिलकर बनाना है एक समाजवादी वतन, और यह हमारी पार्टी के नाम में साफ नजर आना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। आजाद जी ने यह खबर भेजी है कि यहां जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो कॉमरेड्स, आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर। इस मोर्चे में हम लाला लाजपत राय जी के साथ खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिंदाबाद! साइमन गो बैक! साइमन गो बैक! साइमन वापस जाओ! साइमन गो बैक! साइमन वापस जाओ! साइमन वापस जाओ! साइमन गो बैक! Get him! Go back! Go back! Nalaji! Simon, go back! Go! Oh! सारे देश के मुंह पर चांटा है लाला जी की हत्या। दो 22-22 साल के पुलिस वाले सरेआम पीट पीट कर जान ले लेते हैं उनकी, और कोई कुछ नहीं कर रहा। कर क्यों नहीं रहे? कर रहे हैं ना। कांग्रेस निंदा कर रही है, हिंदू महापरिषद कठोर। बकवास बकवास। सच तो यह है कि सब के सब नपुंसक की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बस सारा देश भी यही महसूस कर रहा है पंडित जी। इसका जवाब हम देंगे। स्कॉट की हत्या करनी होगी। बिल्कुल सही। सिर्फ यही तरीका है इस सरकार को सबक सिखाने का। इनके दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी है, और इसी से खौफ पैदा होगा। दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। हत्या? क्या हम खून करेंगे? देखो जयगोपाल, हम इंसान की जिंदगी की कीमत को समझते हैं। किसी मासूम की जान लेने से पहले हम अपनी जान देना पसंद करेंगे। लेकिन यह पुलिस वाला कोई मासूम इंसान नहीं, एक जालिम हुकूमत का नुमाइंदा है। इसकी हरकत से उस हुकूमत का वैश्यपन झलकता है। इसे मारकर हम उस हुकूमत पर वार करेंगे। तो फिर हो गया, मैं अभी पुलिस हेडक्वार्टर में घुस के उस साले को उड़ा देता हूं। राजगुरु, गरम से गरम काम करते वक्त दिलो दिमाग को ठंडा रखा करो। इस एक्शन में कौन कौन आना चाहता है सोच लो। कल अगर पकड़े गए तो अंजाम एक ही है, फांसी। क्योंकि मैं खुद एक्शन में रहूंगा, इसलिए प्लान सुखदेव का होगा। ये रहा पुलिस हेडक्वार्टर्स और उसके आसपास के इलाके का नक्शा। भगत सिंह और राजगुरु, आप अटैक करेंगे। पहल भगत की होगी। पंडित जी, आप इन्हें कवर देंगे। जयगोपाल, स्कॉट पर नजर रखना शुरू करो। वारदात के दिन उसे पहचानना और इशारा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक्शन का दिन होगा 17 दिसंबर। मैं कहता हूँ लौट जाओ। मैं किसी हिंदुस्तानी का खून बहाना नहीं चाहता। लौट जाओ। An officer of the Crown has been murdered in broad daylight. You really don't have a clue who killed him. We have 3 witnesses, sir. Then get me the suspects, you moron. Comb the town, block all exits. Highway checkpoints, bus stands, rail stations. Raid hostels, boarding houses. And if anybody runs, shoot the bastard. कुछ पता चल गया है क्या? ये खबर सच है कि उस अफसर को मारने वालों में एक सिख लड़का भी था? गोरिया ने चप्पे चप्पे पे पुलिस लगा रखी है, पता नहीं कैसे बच पाएगा। Watch each face carefully. और से देखिए हर चेहरे को। आप तीनों ने उन खूनियों को देखा है, वो मुजरिम बच के जाने ना पाए। तेरी नजर से कोई नहीं बच पाएगा बच्चा, तेरा भाग्योदय होने वाला है। अलोक निरंजन, माथे पर विलायत का योग है। अलोक निरंजन। Any suspect, pull him up. ले जाओ इसको अंदर। किसी पे जरा सा भी शक हो तो खींच लेना बाहर। Watch them carefully. They may be in disguise. और से देखो हर चेहरे को। वो भेष बदल कर आ सकते हैं, दाढ़ी लगा कर आ सकते हैं, मूंछें मुड़वा कर आ सकते हैं। निकल ले, सीधा चल। लेकिन चल। माफ कीजिए, मैं गिर गया। हमको मालूम तुम गिरा हुआ आदमी है। चलो चलो, क्या जाने दो। हमने तुमको कितनी बार बोला, हमको लंदन से इंडिया नहीं आने का है, नहीं आने का है। शट अप। लेकिन तुमको अपनी बातों से मिलने का ऐसा लोग है इधर। ऐसा तुम्हारा इंडिया। शट अप विल यू। ओह सॉरी। ऐसा ऐसा ऑफिसर ही तुमको ठीक रख सकता है। 150 साल ये लोग ने तुमको मारा, लेकिन तुमको अकल नहीं आया। इसको आया, ऑफिसर बन गया। स्मार्ट इंडियन, स्मार्ट इंडियन। थैंक यू सर। लेट्स गो। आइए सर। कम ऑन विल यू। हटो पीछे। जेंटलमैन को रास्ता दो, जेंटलमैन को रास्ता दो। हटो पीछे। आइए सर। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग वहां क्या देख रहे? वहां देखिए गौर से। मैं भी देखता हूँ ये तीनों मुजरिम लाहौर से बचकर कैसे निकलते हैं। तुम ठीक कह रहे हो भगत। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, लेकिन बहुत कम लोग हैं यहाँ जिन्हें हमारी पार्टी के बारे में पता है, और उससे भी कम ये जानते हैं हमारे उद्देश्य क्या है, हमारे विचार क्या हैं। कलकत्ता में ये हाल है तो बाकी देश का क्या होगा? कौन जानेगा। मैं ऐसा क्यों? सारा देश चाहता था कि लालाजी की मौत का बदला लिया जाए। जान जोखिम में डाल के हम लोगों ने उस जज्बे को अंजाम दिया है। भाभी, ये आप कह रही है। लाहौर में 4 पोस्टर लग गए, लखनऊ कानपुर में 2-3 लेख छप गए, तो ये पूरा हिंदुस्तान तो नहीं हो गया। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जनता को नहीं मालूम। उनकी नजरों में तो हम वही हैं जो अंग्रेजों ने हम पर ठप्पा लगा दिया है, आतंकवादी। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने भी हमें वही बताया है, यही सब जगह हमारे बारे में छपा है, और लोग भी हमारे बारे में यही समझते हैं। सच तो यह है कि हम अब तक आवाम के साथ जुड़ नहीं पाए हैं। जो इनकलाब का सपना हम लोगों ने देखा था, वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आवाम हमारे साथ नहीं। ठीक कहते हो भगत। एक हम हैं जो देश के लिए मरते हैं, मारते हैं, और किसी को कुछ पता नहीं चलता। और एक ये हैं जो छींकते भी हैं तो पूरे देश को सुनाई देता है। अब हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि पूरे देश को सुनाई दे, हम बम फोड़ेंगे। यहाँ एक आदमी है, जतिन दास नाम है उसका, केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, वो हमें बम बनाना सिखा सकता है। अरे जतिन दा गुरु लोग हम जानते हैं ना, भीषण प्रतिभावान मानुष, ठीक मतो बम बनाना मात्र वही जानता है। किंतु फणिदा उन्हीं आसबेन ना, हिंसा का रास्ता जतिन दा ने छोड़ दिया है, वो नहीं आएंगे, इसीलिए उसने मना किया। भगत अगर तुम कोशिश करो तो शायद वो मान जाए। ना आमी तुम्हारे संगे जाबो ना, जिस रास्ते पे तुम लोग चल रहा है उस रास्ते पे कुछ हासिल नहीं होगा। पंडित जी मैं कह रहा हूँ इस रास्ते पे सिर्फ उम्र कैद और फांसी। पकड़े जाएंगे तब ना, जब तक मेरे साथ मेरा ये बमतुल बुखारा है, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि मुझे जिंदा पकड़ सके। मैं आजाद हूँ और आजाद रहूंगा, और अंजाम के बारे में सोचकर डरने वाला देश के लिए क्या लड़ेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, बम और पिस्तौल से सब लड़ाई नहीं लड़ा जाता, कांग्रेस भी तो लड़ाई कर रहा है ना, क्यों ना हम कांग्रेस के साथ जुड़ जाए और उसको मजबूत करें। हाँ लड़ रही है कांग्रेस, कांग्रेस सेशन से आ रहे हैं गांधी जी को सुनकर, डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही है। डोमिनियन स्टेटस यानी कि आधा राज, यानी कि कुर्सी पर तो बैठेंगे हम और हुक्मरान होंगे अंग्रेज। विजय पार्लियामेंट के हर सेशन से पहले लोग खड़े होकर गाना गाएंगे, लॉन्ग लिव द क्वीन। आपने की चांस सेटा अपनी हर पॉलिसी डिसाइड करने से पहले अंग्रेज लोग की मंजूरी लेंगे और कहलाएंगे आजाद। अरे तुम तो सभी बोझ हो दादा। अच्छा तुमने जा कि छुई बोलो ना, क्या लोग तो कांग्रेस के साथ है ना, कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। उसके बाद देश को क्या चाहिए क्या करना है इसके बारे में वो नहीं सोच रही। अगर कांग्रेस के तरीकों से आजादी मिली तो गोरे साहब तो चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे साहब आके बैठ जाएंगे और हालात वही के वही रहेंगे, अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब। एक ऐसा वक्त आएगा कि धर्म और जात पात के नाम पे इस देश में वो आग लगेगी जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी। तुम कुछ भी कहो भगत, मैं हिंसा को नहीं मानता। नो वायलेंस। व्हाट इज वायलेंस? क्या है हिंसा? बताइए जतिंदा। जब कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों पर अन्याय करता है, शोषण करता है, उसकी आजादी को छीनता है तो उसे हिंसा कहते हैं। लेकिन जब कोई अपनी जान और इज्जत के लिए लड़ता है, हक के लिए लड़ता है तो उसे हिंसा नहीं आत्मरक्षा कहते हैं, सेल्फ डिफेंस। भगत यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई वायलेंस। वायलेंस आप जो करने जा रहे हैं उसे मैं हिंसा नहीं कहूंगा जतिन दा, उसे मैं आत्मरक्षा कहूंगा, सेल्फ डिफेंस, और वही हम करने की बात कर रहे हैं। गो टू हेल। बोलो कहाँ चल के मरना है तुम लोगों के साथ? दादा ये कथाटा भालो करे बोलो ना। हाँ की भालो करे बोलबो? ए मानुषटा बंदूक देखाচ্ছে তুমি গলা টিপছো। अच्छा बाबा रसगुल्ले खिलाओ चलो। हाँ ना चलो संदेश संदेश। हाँ हम हड़ताल पर हैं, हम अपनी बुनियादी जरूरतों की बातें करते हैं, बच्चों की पढ़ाई की बातें करते हैं, रोटी की बातें करते हैं, लेकिन ये खड़ा है हमारा मालिक, हमें देश की आजादी पर लेक्चर दे रहा है। किस आजादी की बात कर रही है? उस आजादी से हमारी हालत में कुछ सुधार आएगा? सही कहा आपने। देखिए आज भी ये मालिक अपने साथ पुलिस लेकर आया है ताकि गोडाउन में पड़ा अपना माल उठा ले जा सके। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। Yeah, don't worry. Officers, I want all of them out of here immediately. मजदूर तभी काम रोकता है जब उसके दुख दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। ऐसी 200 स्ट्राइकें हो चुकी हैं देश भर में इस साल, लेकिन कोई उनके लिए कुछ नहीं कर रहा। सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उनका गला घोटने की कोशिश कर रही है। सारी स्ट्राइकें गैर कानूनी करार कर देगी, बिना सबूत बिना मुकदमे किसी को भी उठा के जेल में डाल देगी। तुमने क्या सोचा है भगत? 8 अप्रैल वॉइस रॉय अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके असेंबली में दोनों बिल पास करने की कोशिश करवाएगा, हम उसका विरोध करेंगे। असेंबली में बम फोड़कर। बम की बोल से शांत। लेकिन भगत, अंग्रेजों के अलावा वहां हमारे लोग भी होंगे। बम ऐसी जगह देखकर फोड़ा जाएगा जहां किसी की जान को कोई नुकसान ना हो। फिर हम बम क्यों फोड़ेंगे? इसलिए कि गोरों की जात बहरी है और बहरों को अपनी बात सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। यह धमाका उन लोगों के लिए एक चेतावनी होगी कि बस बहुत हो गया, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। बढ़िया भगत, बढ़िया। इस धमाके से तो इंग्लैंड तक हिल जाएगा और लोगों की भागदड़ में बम फेंकने वाले भी आसानी से निकल आएंगे। नहीं पंडित जी, जो जाएगा लौट के नहीं आएगा, अपनी गिरफ्तारी देगा। भगत, क्रांतिकारी कभी हथियार नहीं डालते, आखिर तक लड़ते हैं। हम भी आखिर तक लड़ेंगे पंडित जी। अब तक हमें गैर जिम्मेदार और टेररिस्ट बताया गया है। गिरफ्तारी देकर हम ये साबित कर देंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। इस एक्शन से हम आवाम की नजर में आ जाएंगे, वो हमें जानने लगेगा। कोर्ट केस के दौरान हमारी स्टेटमेंट्स दर्ज की जाएंगी, अखबारों को मजबूर होकर हमारे विचार छापने पड़ेंगे। आवाम तक पहुंचने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत है, ये सरकार खुद हमें बना के देगी। उनके गढ़ में खड़े रहकर हम अपने लोगों का विश्वास जीतेंगे। इस काम के लिए दो लोग जाएंगे, एक मैं। तुम नहीं जाओगे भगत। पंडित जी तुम नहीं। पंडित जी मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, क्या करना है क्या बोलना है। जो कुछ भी है तुम बता दो, जो बंदा जाएगा बोल देगा। लेकिन मैं क्यों नहीं? सॉन्डर्स मर्डर केस की फाइल अभी तक बंद नहीं हुई है और तुम्हें भेजकर मैं कोई चांस नहीं ले सकता। पंडित जी ये काम मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। यह तय करना मेरा काम है। मिशन होगा लेकिन बंदे मैं चुनूंगा। प्लीज पंडित जी आप मेरी। यह मेरा हुक्म है भगत, HSRA के कमांडर इन चीफ का हुक्म। सुखदेव तुम समझ नहीं रहे हो, तुम वहां थे नहीं। मैंने पंडित जी को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। और तू मान गया। ब्रिटिश अदालतें जहां अंग्रेजों को अंग्रेजी में मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत पड़ेगी, जहां बात तक करने के लिए पूरी हिस्ट्री पॉलिटिकल स्टडीज जेब में होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट की पावर चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, लव्स चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। और जिस बंदे के पास ये सब कुछ है वो वहां नहीं जाएगा, वो यहां बैठे बैठे प्रपोजल्स बनाएगा और दूसरे बंदे जाएंगे लड़ने मरने के लिए। सुखदेव जिंदगी जीने की ख्वाहिश जाग उठी है क्या सरदार भगत सिंह? जिंदगी तो यूं फेंक दिए पुड़िया बांध के रावी नदी में मैंने। होश संभाला नहीं के मरने मिटने के लिए खड़े हो गए और तुम मुझ पर ये घटिया इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, दोस्त होने के नाते दोस्त को फर्ज का एहसास दिला रहा हूं। और जब तू खुद जानता है कि तुझसे बेहतर इस काम को और कोई अंजाम नहीं दे सकता तो दूसरे बंदे क्यों जाएंगे यार वहां? बस भगत, जब तुमने तय ही कर लिया है कि मेरी बात नहीं माननी है तो फिर। ऐसी बात नहीं है पंडित जी, अगर यहां बैठा एक बंदा यह कह दे कि इस काम को मुझसे बेहतर कोई और अंजाम दे सकता है तो मैं खुद ही विड्रॉ कर जाऊंगा। HSRA का असूल है पंडित जी, जिसकी जरूरत जहां है उसे वहां भेजना चाहिए। लेकिन भगत सॉन्डर्स मर्डर केस। पंडित जी जान पर तो सभी खेल रहे हैं यहां, जान की परवाह करके मिशन को तो कमजोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कौन जाएगा तुम्हारे साथ? मैं जाऊंगा। नहीं सुखदेव, पार्टी में मेरे बाद मेरी जगह सुखदेव लेगा। यह दो तरफा लड़ाई होगी, हम लोग अंदर से प्रचार करेंगे, आप लोग बाहर से पार्टी का एक्शन जारी रखना। भगत के साथ मैं जाऊंगा। अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, बैठ जा। भगत जो कुछ भी अंग्रेजी में लिख के देगा उसको अच्छी तरह से याद करके बोल दूंगा। हमेशा ये मरने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है? बस एक बार देश के लिए मर जाऊं फिर चैन से जीता रहूंगा। सबके सब बावले हो गए हैं। बोलो भगत। मेरे साथ बटुकेश्वर दत्त जाएगा। मैं? थैंक यू भगत, थैंक यू भगत। जनाब वालिद साहब, मुझे मालूम नहीं कि दोबारा आप लोगों से मिलूंगा या नहीं। मैं अपने सफ़र के उस मुकाम पे पहुंच गया हूँ जहाँ मैं किसी का बेटा नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी का दोस्त नहीं, सिर्फ एक क्रांतिकारी हूँ जिसका एक ही मकसद है, वतन की आज़ादी। मुझे यकीन है कि आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी। आपका भगत। Special Envoy of the Viceroy, His Excellency Lord Irwin, Mr. George Suster. By the special powers vested in the hands of His Excellency the Viceroy of India, I proclaim the Public Safety Bill passed as law. Likewise, with the same authority and powers, I proclaim the Trade Dispute Bill passed. मुर्दाबाद। अरेस्ट हिम। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म। बम के धमाके से वाइसरॉय लॉर्ड इरविन और एमर्सन दोनों बुरी तरह से हिल गए, लेकिन ये जानकर वो ज्यादा बौखला गए कि बम फोड़ने वाले क्रांतिकारी किसी की जान नहीं लेना चाहते थे। They deliberately threw the bombs at the empty benches. But you said they also had a gun. Handed it over to the police sergeant when they surrendered. Handed it over? Lunatics, obviously. The word would be dangerous, sir. It's London again, sir. The Prime Minister himself. कुछ गैर जिम्मेदार नौजवानों ने आजादी की लड़ाई को बदनाम किया है। ये एक खेदजनक हरकत है। इससे स्वतंत्रता हासिल करना और मुश्किल हो गया है। ये बहुत दुखदायी घटना है। इसके जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस देश के नौजवानों को तय करना होगा कि वो किसके रास्ते पे चलेंगे, महात्मा गांधी के या इस भगत सिंह के। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। If the prisoners have finished entertaining the court, perhaps they'd like to say something more pertinent to the case before I pass my sentence. Your Honor, मेरे मुवक्किल अदालत को ये बताना चाहेंगे कि बम फेंकने के पीछे उनकी क्या वजह थी और क्या मोटिव था। They have committed such a dastardly act that this court is not interested in their reasons or motives. Your Honor, आपने कभी किसी मुजरिम को मौत की सजा दी है? What kind of ridiculous question is that? Of course I have, several times. अगर उस फैसले से आपकी नियत यानी मोटिव को हटा दिया जाए तो आप में और किसी कातिल में कोई फर्क नहीं रहेगा। बहुत अच्छा जा रहे हो, दारुण पुलिस, खूब फर्क। जुर्म के पीछे क्या मकसद है ये जाने बिना इंसाफ नहीं किया जा सकता, तो इजाजत है योर ऑनर? यू मे। हम बॉम्ब बनाना जानते हैं योर ऑनर, इसलिए उसकी ताकत भी जानते हैं। हमने जानबूझकर अपने बॉम्ब में केमिकल्स और शार्पनर्स का इस्तेमाल नहीं किया। हमने तो फेंका भी इतना दूर कि किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि हम इंसानी जिंदगी की कदर करते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था योर ऑनर, हमारा मकसद सिर्फ अपनी बात सुनाना था, और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इसलिए यह बॉम्ब फोड़ा गया। यह बॉम्ब एक चेतावनी थी अंग्रेजी हुकूमत के लिए कि यहाँ उनका वक्त खत्म होने को आया है। यह बॉम्ब एक चेतावनी है असेंबली में बैठे उन लोगों के लिए जो आवाम के साथ गद्दारी करते चले आ रहे हैं, उसे रोक दें, इसलिए यह बॉम्ब फोड़ा गया। हमारे देश का असली आधार है हमारे किसान, हमारे मजदूर, लेकिन ना सिर्फ उनकी मेहनत को बेदर्दी से लूटा जा रहा है, बल्कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उनसे विरोध करने का बुनियादी हक भी छीना जा रहा है। उनकी पीड़ा और उनके संघर्ष को दुनिया के सामने लाना हमने अपना फर्ज समझा, इसीलिए यह बॉम्ब फोड़ा गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान, हमारी नई पीढ़ी खुद सोचे कि उसे किस तरह का भविष्य चाहिए, वो सवाल करना सीखे। आंख मूंद के किसी के पीछे चलना भी एक तरह की गुलामी है, और हमारे महान नेताओं को चाहिए कि वो आवाम को उपदेश और प्रवचन देना बंद करें और उनकी सुने। बापू को गाली देना फैशन हो गया आजकल। चलो यार। The accused say that they hold human life dear, but it has been proven that the bombs were thrown with the clear intention of causing death. Therefore, I award the severest punishment, transportation for life, for both the accused. Long live revolution! Down with imperialism! Inkalab Zindabad! बेटी, भूल जाओ उसे। आप भूल सकती हैं, मेरी बात और है, मैं तो उसकी माँ हूं और मैं सिर्फ खून के रिश्तों का मान रखा जाता है, मन के रिश्तों का नहीं। किशोरी, क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी तक बम का सारा सामान बाहर रखा है, फौरन समेटो सब कुछ। सुखदेव भाई, याजा जी की चिट्ठी आई है। पुलिस, भागो! क्रांति लाओगे? लाएंगे। बम बनाओगे? बनाएंगे। बम बनाओगे? बता, बता अपने साथियों के नाम, बता, बता। ए, तू बता अपने साथियों के नाम। ओए, दूसरे को भेज। तू थक गया अंग्रेज की नाजायज औलाद। सॉरी यार, मूवमेंट जारी रखे हुए थे लेकिन सब कुछ अचानक हो गया यार, संभलने का मौका नहीं मिला यार। एकाएक पुलिस आ गई। सॉरी भगत। ओए, दिल छोटा ना करो यार। ये क्या काम है कि आज भी हम जुड़े हुए हैं? इरादा एक है, मकसद एक है, लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आज हमें यहाँ क्यों इकट्ठा किया है। सुनने में आया है सॉन्डर्स मर्डर केस चलने वाला है। सॉन्डर्स मर्डर केस? सॉन्डर्स मर्डर केस किस बुनियाद पे? सबूत क्या है इनके पास? स्टैंड इन अ लाइन, ब्रिंग द अप्रूवर्स। Identify them. I'm sorry, Bhagat. You come forward. Identify them. Yes, sir. Yes, sir. Kishori Lal, Ajay Ghosh, Shiv Verma, Kaya Prasad, Jaydev Kapoor. बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, लाउडली, भगत सिंह। और मैं सुखदेव। पहचान मुझे? सर उठा साले, याद है मेरे हाथ की रोटियां? छोड़ दे भगत, सब खत्म हो गया भगत, सब खत्म हो गया। यार, अपने साथी गद्दारी कर गए, अब कौन विश्वास करेगा हम पे? अब कौन विश्वास करेगा हम पे? वाइसरॉय और एमर्सन ने चैन की सांस ली। अब भगत सिंह क्या कर सकेगा? That's what hunting with pack dogs taught me. If your will is superior, they just crumble. Well, they certainly did, sir. Their engine seems to have sputtered and died before the race could even begin. Well, I guess you'll have no more trouble from this Bhagat Singh now. To peace then, and some sleep, sir. Hey, चलो जल्दी करो, आजा आजा, तू भी आजा। चल आगे चल। Is everything all right here? चल चल तू भी चल। ए फ्रीडम फाइटर खाना ले। छेती कार। मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? ये खाना जिस तरह से ऐसा ही खाना मिलता है और सब यही खाते हैं। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे खाना? क्योंकि ये खाना इंसानों के लायक नहीं है। What's all the fuss about, Kambahador? The gentleman there wants good food, sir. Please remind him of where he is. This is jail. And the jail is governed by law. And the law is same for everybody, sir. कहना क्या चाहते हो? उन गोरे कैदियों को हर तरह की सुविधा दी जाती है और हमारे साथ जानवर से बदतर सलूक किया जाता है। ये हमारे कपड़े जो बरसों से बदले नहीं गए, ये रसोई घर जहाँ चूहे और कॉकरोच खाने पर कूद रहे हैं। दाल रोटी दो, कम से कम खाने लायक तो दो। कानून सबके लिए एक है जेलर साहब। जेल रूल सेज देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। टू हेल विद द रूल्स। तुम लोगों को यही खाना मिलेगा और यही खाना पड़ेगा। तो मैं नहीं खाऊंगा। Ask him how long. जब तक हमारे साथ इंसानों की तरह बर्ताव नहीं किया जाता। खाने लायक खाना, साफ सुथरे कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें, अखबार। Tell him he won't get anything. कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। कब तक नहीं खाओगे? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती। देखेंगे। शौक से। अच्छा। ओ पकतया, पहले रोटी खा ले। कई दिनों से तूने कुछ नहीं खाया। तेनू रब दा वास्ता मना मत कर। मेहरबानी पाजी, लेकिन मैं नहीं खा सकता। और तेरे लिए खास खाना लेके आया हूं। तूने ही तो रोला पाया था कि खाना अच्छा होना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ खाने या कपड़ों की नहीं है और ना ही मुझे अकेले की है। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी। सरकार तुम्हारी कोई मांगे नहीं मानेगी। तो ठीक है पाजी, मर जाएंगे ऐसे ही। ओ कमलिया, तेरे को कोई मरने भी नहीं देगा। उधर वो बटुकेश्वर दत्त है, उसने भी हड़ताल कर रखी है। तुम लोगों की ये खबर अखबार में छप चुकी है। सरकार तुम्हारी हड़ताल तोड़ने के लिए क्या क्या करने वाली है तुम्हें मालूम नहीं। ये भी मालूम कर लेते हैं। खाना नहीं खाएगा आप? देखता हूं कब तक नहीं खाएगा आप। मुंह खोल इसका, मुंह खोल इसका, मुंह खोल। Put it in the nose, in the nose. नाक में डाल साले के। पकड़ो। Hold him, hold him. अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए हैं। ये बात अच्छी तरीके से समझ लो। तुम्हारी अब भूख हड़ताल तोड़ने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े जरूर करूंगा। अब बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? हमारी मांगों का क्या जवाब है? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी मांगे कभी नहीं मानी जाएंगी। जैसा निजाम चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा बॉस। समझने की कोशिश करो भगत, तुम्हारी इस भूख हड़ताल से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर क्यों कर रहे हो ये बेवकूफी? क्यों? क्योंकि मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता और मैं नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है जेलर साहब, आप नमक का हक अदा करो, मैं मिट्टी का हक अदा करता हूं। भगत, ये क्या पागल बने यार? क्या सुन रहा हूं मैं? तू बीके और समझा नहीं सकता इसको। तू भी साथ दे रहा इसका। भूखा रह रहा है तू। क्यों? क्या हासिल हो जाएगा यार तेरे भूखा रहने से। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कंटिन्यूज। मिस्टर गार्डन नोट, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। योर ऑनर, इंकलाब जिंदाबाद। योर ऑनर, योर ऑनर, इंकलाब जिंदाबाद। Sir, Lahore conspiracy case suspect Shivram Hari Rajguru from Pune. हाँ। इसे भी उनके साथ खड़ा कर दो। बड़े से कुतरिया अवर है। थैंक यू। तू कैसे आ गया? वो तुम सबके बिना दिल नहीं लगता है यार। हमारा दिल भी नहीं लग रहा था। Your Honor, is this a murder trial or a celebration? ओए जश्न है वकील साहब, इनकलाब का जश्न। Inqilab Zindabad! Inqilab? Inqilab? What the hell is your Inqilab? बार-बार इंकलाब का नारा लगाते हो, इसका मतलब ही समझते हो आप? इंकलाब एक लड़ाई है, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इंकलाब एक हथियार है, आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इंकलाब एक ऐलान है, देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। इंकलाब एक चेतावनी है, इस बर्बर सरकार को होशियार करने के लिए। इंकलाब एक पुकार है, सोए हुए आवाम को उठाने के लिए। इंकलाब एक आवाज है, दबे हुए जमीर को जगाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब समझाने के लिए। समझ ही गए हैं तो आप भी आ जाएं हमारा साथ निभाने के लिए। ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का वायदा माफ गवाह पेश करना चाहता है। ऑर्डर, ऑर्डर। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर फरींद्रनाथ घोष को पेश किया जाए। हाँ तो मिस्टर घोष, इन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर बम बनाने की फैक्ट्री लगाई थी। ओए, आंख तो मिला धृतराष्ट्र की औलाद। नई दुल्हन की तरह शर्माता है क्या रे? विलायत भी ले जा रहे हैं क्या तुझे, गद्दार कुत्ते? ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। तो आपने बम बनाने में इनकी मदद की थी? योर ऑनर, हमारे पास इनका लिखा हुआ बयान है जो अदालत में पेश कर दिया गया है। सॉरी योर ऑनर, इन साहब की गवाही कोई मायने नहीं रखती। ना ये हमारे साथ हैं, ना ये बम बनाना जानते हैं। ये क्या बोलते? हमको बम बनाने नहीं आता है। ओई तो जतिन दास सामने दाड़िए, हमार गुरु। ओ जतिन दास, ओके बोलो ना, आमी बम बनाते पारी ना? ना ना, तुम जानो ना योर ऑनर, इनको बम बनाने को नहीं पाता। की भूल चुके तुम्ही? अगर तुम्हें बम बनाना आता है तो बताओ बम बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। हाँ यार, उनका मुश्किल काम है। अभी बोलता है बम बनाने में मेन 9टा जिनिस का दरकार पड़ता है। गुरु बोलो। बोलसी हां बोलो। गन कॉटन, गन कॉटन। गॉज वायर, गॉज वायर। एमोनियम कार्बोनेट, एमोनियम कार्बोनेट। सल्फर, सल्फर। रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस। रेड सल्फाइड, रेड सल्फाइड। कार्बोलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बस और कुछ बाकी नहीं है। कुछ भूल तो नहीं रहे दादा? ना ना, और कुछ नहीं भूल रहे हैं। दूटो जिनिस के दरकार पड़ता है। एक हलो ओई लाल माने रेड पेपर बोमा के कैप के वास्ते, एंड आयरन पीसेस बोमा के क्लिप के वास्ते। और किछ बाकी नहीं। की जतिन दा ठीक बोली नी? यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आई एम प्राउड ऑफ यू फनी। आप मिल गया सबूत? पूछिए पूछिए, और क्या पूछना है पूछिए। नहीं जी, बहुत पूछ लिया योर ऑनर, हमें और कुछ नहीं पूछना। बॉम्ब बनाने के बारे में जो कुछ हमने इतनी मुश्किल से सीखा था, कल अखबार के जरिए हमारे देश का बच्चा बच्चा सीख लेगा। थैंक यू मिस्टर खान। योर ऑनर प्लीज स्टॉप। लड़कों ने कमाल कर दिया। अब तो देश का हर बच्चा अपने घर में बम बनाएगा। पंडित जी, पहले तो भगत और सुखदेव और साथियों का अलग-अलग जेलों में रखा गया था ना, अब तो सुना है कि सभी को एक ही जेल में ले आए हैं। अंग्रेजों का बुरा वक्त आ गया है रे। भैंस पानी में गई रे। ओ मुंडियो, क्या हो रहा है ये? चलो चल के रोटी खा लो। चलो चलो यार, रोटी खा लो। पगत्या समझा यार है नानू। वही तो समझा रहे हैं पाजी। वही जाओ यार, रोटी खा लो। नहीं भगत, कोई नहीं खाएगा। मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगा। हम भी नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे, हम सब साथ हैं यार। देखो इतना आसान नहीं है। एक बार अगर कूद पड़े तो आखिर तक चलना पड़ेगा। रुकने का मतलब है हार, और किसी एक ने भी। कोई नहीं रुकेगा भगत, हम सब आखिर तक चलेंगे। हम टूटेंगे नहीं भगत, हम में से कोई भी कमजोर नहीं पड़ेगा भगत। सब आखिर तक लड़ेंगे। रोज रोज मरना पड़ेगा, किश्तों में मौत आएगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। But it's the third time the Tribune has reported it, sir. It's right there. 26 days without food. It's just a publicity stunt, Herbert. एमर्सन जानता था कि भगत सिंह की भूख हड़ताल से सरकार को खतरा होगा, लेकिन वाइसरॉय ने उसकी चेतावनी को खारिज कर दिया। Bhagat Singh is not Gandhi. No one cares if he eats or not. Get me the jailer at Lahore. आज बंगाली खून बड़ा जोर मार गया। जतिनदा ने वो हाथ पांव चलाए, एक हवलदार अभी तक अपना सामान पकड़े बैठा है। दारुण, खूब भालो बोले छे। एक बूंद भी अंदर नहीं जाने को दिया। तेरे को बोला था ना, आखिर तक तेरे साथ चलेगा, आखिर तक तेरे साथ चलेगा। बाली कमीनों ने कल रात से पानी भी नहीं दिया। अबे सुन रहा है कोई? पानी लाओ। ओए पानी तो दे दो हरामियों। पानी लाओ। पानी। ये किशोरी भी तो पागल है। कल रात पूरी एक मुट्ठी लाल मिर्च भाग गया ताकि वो लोग गले में ट्यूब न डाल सके। ये साले ट्यूब ही नहीं डाल पाएंगे तो खाना कहां से खिलाएंगे? सारा गला जल गया है। पानी लाओ। ओए आ गया, ओए पानी आ गया। हरामजादे, bastards! साले इंसान की पैदाइश हो या जानवर की, कमीनापन देख भगत, पानी की जगह दूध रखा है सालों ने। महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में, खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में। जहां एक तरफ हिंदुस्तान क्रांतिकारियों की भूख हड़ताल में शामिल हो रहा था, वहां दूसरी तरफ वाइसरॉय की शानदार दावतें जारी थीं। लेकिन I say, what is going on outside? There seems to be some sort of a strike today. I saw that too. Who is this Bhagat Singh that everyone's suddenly talking about? I wouldn't bother too much about that, madam. He's one of those revolutionaries who's gone on a hunger strike as a stunt. But why all the fuss about that? Mr. Gandhi goes on a fast every week, I believe. I just love Mr. Gandhi. Truth and non-violence, that's my kind of enemy. But will somebody please tell me why everyone is so agitated about this Bhagat Singh? Bhagat Singh and his friends have not eaten for the past 55 days, madam. 55 days? My word. That's impossible. The man is looking out for some sympathy. How can a man not eat for 55 days? He has not, madam. Even my family members are fasting for him for the past few days. Care for some fish? Oh no, goodness no. Excuse me. और भगत सिंह की लगाई हुई आग वाइसरॉय महल के अंदर तक आ पहुंची। Herbert, don't you like the music? I had warned you, sir. That man is dangerous. Now they're even talking about him here, for God's sake. I'm sorry, sir, but you see, he's everywhere. Poison gas. He? Oh. You mean your Bhagat Singh fellow? Mr. Gandhi's been the sole representative of the people, and he's been willing to talk to us. But if this Bhagat Singh wave continues, Gandhi may not be left with any people to represent. What do you mean? At this point, sir, Bhagat Singh's popularity rivals that of Mr. Gandhi. Who says? My sources. Ha! Your sources? Within the Congress party. अब देश भर में भगत सिंह की लोकप्रियता महात्मा गांधी के बराबर थी। इस भूख हड़ताल को हर हाल में खत्म करना जरूरी था। What are their demands? बाबा तर मुंह मिठा गोरे सूख गए, हमारे बच्चों के सामने गोरे सूख गए। ओए लादी बात अल्लाह पुत्र ले, ओए बोलो जिंदाबाद, ओए गोरे सूख गए। जतिन दास, जतिन दास, 63 दिन से कुछ खाया नहीं, दवाई भी नहीं ले रहे। अगर ये कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आई कांट हेल्प इट। अरे कोई समझाओ इन्हें। जतिन दा, दादा, दादा, भगत, हो गया, हम जीत गए मेरे भाई। सरकार ने हमारी मांगे मान ली है, दवा ले ले। बोला था ना भगत, आखिर तक साथ चलूंगा। आज भी एक बूंद अंदर नहीं जाने को दिया। आखिर तक साथ चलूंगा, आखिर तक, आखिर। कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मत होना। मनाना जश्न आजादी, न मेरे वास्ते रोना। निगाहें मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। इस बच्चे की मृत्यु पर मुझे भी खेद है, लेकिन तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि यदि जनता इनके रास्ते पर चलने लग गई तो इससे हमारे समाज की रचना नहीं हो सकती, सिर्फ विनाश ही होगा। विनाश हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है जालिम विदेशी लुटेरों से हिंदुस्तान की आजादी। ये संघर्ष खून मांगता है और हम तैयार हैं। अहिंसा और प्यार, यही दो तरीके हैं आजादी पाने के, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह हम दुश्मन का भी दिल जीत पाएंगे। इतने सालों से इस अहिंसा और प्यार के तरीकों से हम कितने जनरल डायरों और कितने लॉर्ड इरविनों के दिल जीत पाए हैं। हम अंग्रेज सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कमजोर और ताकतवर के बीच कोई बातचीत, कोई समझौता नहीं हो सकता। अंग्रेज पहले हमारे घर से बाहर निकले, फिर हम इनसे बात करेंगे। हमने डोमेनियन स्टेटस की मांग की है और वो हम लेकर रहेंगे। टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, बस ये हमारा हक है और हम इसे छीन के लेंगे। इनकलाब! बापू, मैं भगत सिंह के विचारों की सराहना तुमने क्यों की जवाहर, और वो भी कांग्रेस बुलेटिन में? मैं चाहता था कि उस पर डिबेट हो, चर्चा हो। चर्चा? तुम जानते हो उनके तरीके कांग्रेस के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। भूल हो गई, किंतु आपके सामने एक बात जरूर लाना चाहूंगा। हमारे पार्टी के नौजवान भगत सिंह की भाषा बोलने लगे हैं। हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी बापू। अभी तक वायसराय के जवाब का हमें इंतजार है, और वहां हमारे नौजवानों में भगत सिंह के पूर्ण स्वराज के नारे गूंज रहे हैं। पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। अंग्रेजी हुकूमत ये बात अच्छी तरह जान ले कि कांग्रेस अपने टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग पे कोई भी समझौता नहीं करेगी। टोटल इंडिपेंडेंस? What's got into the Congress all of a sudden? Bhagat Singh. Sir, Bhagat Singh's popularity is forcing the Congress to behave more militantly. Just read Nehru's speech. But the man's in jail, Herbert. And I thought we had enough witnesses in this case. The case has become a comedy, sir. Bhagat Singh and his friends run their damn revolution from jail and treat the court like their propaganda office. You're not making sense, Herbert. अंग्रेजी हुकूमत को अब बात साफ नजर आने लगी। अदालत के जरिए भगत सिंह का प्रचार देश भर में जागृति ला रहा था। You have to stop him, Herbert. For God's sake, I have to follow the law. You are the law. If you declare an emergency, you can change the law with an ordinance. तो वायसराय के नए कानून के मुताबिक अभियुक्त के गैर हाजिरी में भी उन पर मुकदमा चल सकता है। बिल्कुल, इस तरह जो फैसला उन्होंने कर रखा है उस पर अमल भी कर लेंगे, और इस फैसले के खिलाफ कोई अपील भी नहीं हो सकती। इस ऑर्डिनेंस में तो कोई गुंजाइश नहीं। तो अब अंग्रेज सरकार दिन दहाड़े कत्ल करेगी। तो भगत ने यही तो कहा था पंडित जी, किस मुकदमे के जरिए वो सरकार का पर्दाफाश कर देगा, उसे नंगा करके उसकी असलियत जनता के सामने ले आएगा, और ऐसा उसने कर दिखाया। इसीलिए तो उसी की जान के पीछे पड़े हैं। हम भगत को नहीं खो सकते, हम भगत को नहीं खोएंगे, हम उसे बाहर ले आएंगे। भगवती, वीरभद्र जी, पांडे जी, भगत को खबर करो वो तैयार रहे। हम उसे अदालत जाते समय ही छुड़ा लेंगे। उसे जो करना था उसने कर दिया। नहीं सिन्हा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो मैं करना चाहता हूँ उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर पाया हूँ। पंडित जी को संदेश भिजवा दो कि जंग अभी जारी है और मैं मैदान छोड़कर नहीं आ सकता। इसका अंजाम जानते हो भगत? फांसी। मर के क्या हासिल करोगे? जानते हो मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊं ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके और वो सभी बिना डरे जंग आजादी में कूद पड़े। अगर ऐसा हुआ ना दोस्त, तो उस आजाद भारत का सपना जो हमने देखा है जरूर पूरा होगा, जहां कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। हवा, पानी, फसलें, सब पर सबका बराबर का हक होगा। जात पात को लेकर खून खराबा नहीं होगा। हिंदू भाई, मुसलमान भाई मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे। हर मजहब, हर धर्म, हर जात के लोग एक ही आसमान के नीचे सुरक्षा की सांस लेंगे और वही होगा सही मायने में आजाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद imperialism। मिस्टर सिंह, some hard decisions have to be taken to rule this poor and illiterate country. I strongly object, Your Honor. Neither my country is poor nor is it illiterate. जब तुम्हारे बाप दादा बोलना नहीं जानते थे, यहाँ का बच्चा बच्चा रामायण गीता का पाठ पढ़ता था। सोने की चिड़िया था हमारा देश, वो सोना जिसकी चमक तुम्हें इंग्लैंड से यहाँ तक खींच लाई। यही लूटने आए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, भूल गए? व्यापारी के भेष में लुटेरे हो तुम लोग। तुम क्या आइला हमको गरीब कहते हो तुम लोग? तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी रानी तक अपने ताज में हमारे यहाँ से लुटा हुआ हीरा पहन के बैठी है। कोई नूर हीरा चोर। ऑर्डर ऑर्डर। क्या ऑर्डर ऑर्डर लगा रखा है? एक की बजाय 3 जज बैठे हैं तो इसका मतलब ये हम डर जाएंगे? 3 की जगह 300 बिठा दो तो भी हम नहीं डरेंगे। सच बोल के रहेंगे और तुम्हें सुनना पड़ेगा। क्या ब्रिटिश ब्रिटिश लगा रखी है? किस बात का घमंड है तुम्हें? खाने में हाथ की जगह छुरी कांटे का इस्तेमाल करते हो इस बात का, या धोने में पानी की जगह कागज का इस्तेमाल करते हो इस बात का। ओड़ा, ओड़ा। ओए, निकलना निकलना, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। कहीं 30 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ चीख पड़े ना तो तुम 1,05,000 अंग्रेज बहरे होके भागोगे यहाँ से। ओड़ा, ओड़ा। Your Honor, they are wasting precious time of the court. Please allow me to call the government witness, Ram Sarandas. Please proceed. साला गद्दार आ रहा है। ओए उसे छोड़ना यार, अपने रसगुल्ले का बारे आए होंगे, बाहर रोक के रखे होंगे यार, अंग्रेज ना खा जाए कहीं। हाँ तो मिस्टर राम सरनदास, आपने अपने बयान में कहा। झूठ है, मैंने कोई बयान नहीं दिया है। Your Honor, we have a signed testimony of Mr. Das. सब झूठ है। पुलिस ने मुझे बार बार पीटा और जबरदस्ती मेरा बयान लिया जो कि सरासर गलत है। He's lying. You are lying. झूठ बोल रहा है। Order, order. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Your Honor, I want to recall Mr. Jayagopal to the witness box. नहीं चलेगी। Your Honor, ये बात अदालत के सामने आ गई है कि पुलिस ने मार मार कर सारे गवाह तैयार किए हैं, इसलिए सारे सरकारी गवाहों के बयान खारिज कर दिए जाएं। That is impossible. I want Mr. Jayagopal here, Your Honor. Call Mr. Jayagopal. Order, order. Now, Mr. Jayagopal, you tell the truth to the court. मेरा बयान बिल्कुल सच्चा है। स्कॉट को मारने का प्लान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सबने मिलकर बनाया था, जिसमें मैं भी शामिल था। क्या हो गया? Your Honor, this is contempt of court. They all should be handcuffed. Handcuff them all. Call the police. ये अदालत है, यहाँ हथकड़ी नहीं पहनाई जाती। मैं अपने दोस्त की हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ। बोलना। मैं अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ योर ऑनर। मेरी गलती की सजा इन सबको ना दी जाए योर ऑनर। मिस्टर हिल्टन, आई वांट ऑल ऑफ देम टू बी हैंडकफ्ड। हैंडकफ देम। कोई हथकड़ी नहीं बनेगा। छोड़ किसी को। मिस्टर हिल्टन, प्लीज स्टॉप दैट। ये है आपका कानून और ये है आपका इंसाफ। आप लोग बुज़दिल हैं। कानून की आड़ में छुपे हुए जल्लाद हैं। हम इस बेईमान और झूठी अदालत में दोबारा काम नहीं रखेंगे। ऑर्डर ऑर्डर, टू हेल विद योर ऑर्डर, टू हेल विद योर लॉ। जो फैसला आप लोग कर चुके हैं, जब दिल करे सुना देना। इनकलाब जिंदाबाद। लेट द कोर्ट रूम बी एम्प्टी, जस्ट फिनिश द केस, फिनिश इट। आपको अंदाजा है आपने क्या किया है? जिस अदालत, जिस सरकार को हम ठोकर मार रहे हैं, उसी सरकार के सामने आप घुटने टेक कर मेरे लिए रहम की भीख मांग रहे हैं। मैं जानता हूं बाबूजी, आप मेरे तरीकों से सहमत नहीं है, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता इस तरह मेरी लड़ाई में दखल दे। माफ करना बाबूजी, आपने मेरी पीठ में छुरा भोंका। ना भगत, ना बेटे भगत, तू ये बता बेटा, एक बाप क्या करता बेटे? एक बाप बताना क्या करता एक बाप बेटा, क्या करता एक बाप। आप एक मिसाल बन सकते हैं दूसरे पिताओं के लिए कि वो भी बिना झिझक अपनी औलादों को भेज दे आजादी की लड़ाई में शहीद होने के लिए। ये इम्तिहान की घड़ी है, हम कमजोर नहीं पड़ सकते, कमजोर नहीं पड़ सकते। After taking into account the entire evidence and arguments, the tribunal pronounces the following sentences in Lahore conspiracy case: Bijoy Kumar Sinha, Kishori Lal, Mahabir Singh, Shiv Verma, Kaya Prasad, Jaidev, and Kamalnath Tiwari, transportation for life. Rajguru, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। शाबाश। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। ऑल थ्री टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल दे आर डेड। धन्यवाद आपका। भगत कुछ भी कहे, वो देश के लिए बहुत कीमती है, उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। पंडित जी, मुझे अपनी बहन को लेने स्टेशन जाना है, मैं चलता हूँ। वीरभद्र, चौकन्ना रहना बेटे, माहौल ठीक नहीं है, जाओ। पंडित जी, आपके लिए पुलिस की दबिश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पैसे तो मिल ही गए हैं, आप रशिया क्यों नहीं निकल जाते? नहीं सुखदेव राज, मैं इस मिट्टी की लड़ाई इसी मिट्टी में खड़े रहकर लड़ूंगा। ये पैसे राजगुरु की माँ को दे देना जी, उन्हें इसकी बहुत जरूरत है। सुखदेव! पंडित जी सुखदेव राज भाग! करना मेरी माँ, बस इतनी सेवा कर सका। वंदे मातरम। तू तो मेरा बहादुर भाई है ना। मेरी बीबी बहन, हिम्मत रख। झुक झुक जिए मेरे लाल, मेरी शेर पुत्र। साडा कल ऊंचा कीता है पुत्रा, वाहेगुरु सदा सहाय हो। ना ना मेरा भगत बहुत ऊंचा हो गया है। आजादी की राह पे चलना आप इसे तो सिखाए बाबूजी। सबके बारे में सोचता है तू, अपने आदर्श, अपना वतन, अपनी लड़ाई, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता। हाँ, जब भी वतन के बारे में सोचता था तू ही तो नजर आती थी, तुझे ही तो देखता था। तू ही मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति है। इतनी छोटी उम्र में सब कुछ छोड़कर चला जाएगा तू? दामा, मत रो। देख, अगर तू रोएगी तो मैं भी रो पड़ूंगा, फिर दुनिया क्या कहेगी कि मौत से डर के भगत रो रहा था। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। नहीं रोएगी तेरी माँ, भगत सिंह नहीं रोएगा। नहीं बेटा, इंकलाब जिंदाबाद जरूर बोलना। देश की एक ही आवाज, एक ही मांग है, भगत सिंह और उसके साथियों की फांसी रोक दी जाए। आज भगत सिंह सिर्फ एक नाम, एक शख्स नहीं है, बल्कि पूरे देश में छाया हुआ क्रांति का एक जज्बा है। हो सकता है कुछ लोग उसके तरीके से सहमत ना हो, लेकिन उसका बलिदान और देशभक्ति की भावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। भगत सिंह बचाओ का नारा मानो सारी दुनिया में गूंज रहा था। Even British MPs, all of them asking you to stop Bhagat Singh's hanging. Must you insist on bringing these in here, Herbert? We've already received more than 1 million appeals, sir. Some of them actually signed in blood. Right now, my only concern is to get Gandhi to sign that pact. Yes, sir. The meeting is scheduled for 8 PM. पंडित जी, भगत सिंह को बचाना ही पड़ेगा। शांत, शांत, शांत हो जाइए। सारे देश की एक ही मांग है कि भगत सिंह और उनके साथियों को बचाया जाए, और सभी जानते हैं कि ये काम सिर्फ गांधी जी कर सकते हैं। हाँ, गांधी जी कर सकते हैं। देखिए, देखिए, मैं आपकी बात समझता हूँ, बापू भी समझते हैं। आज उनकी वायसराय से मीटिंग है, उन्हें अरविंद पैक पे साइन करना ही नहीं चाहिए। जब तक वायसराय उन तीनों की फांसी की सजा माफ नहीं कर देते, उन्हें साइन नहीं करना चाहिए। अगर गांधी जी ने बिना शर्त के पैक पर साइन कर दिया तो कांग्रेस के मुंह पर कालिख पुज जाएगी। कांग्रेस की चिंता आपको है, मुझको नहीं, बापू को नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात कहते हुए। देखिए, बापू से जो भी हो सकेगा वो जरूर करेंगे, आप लोग भरोसा रखिए। वुड यू लाइक सम टी? एक और बात थी, पैक्ट से अलग 3 नौजवानों को फांसी दी जाने वाली है। Do you mean भगत सिंह? उसके शहीद हो जाने से देश का माहौल शायद बिगड़ सकता है। क्या इस बारे में कुछ किया जा सकता है? I quite appreciate your view, Mr. Gandhi, but I cannot conceive of anyone who is more thoroughly deserving of capital punishment than Bhagat Singh. हेलो सर, सर उनकी फांसी का वक्त तो कल सुबह का है सर। सर, यस सर। सर, यस सर। छतर सिंह सर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी फांसी की तैयारी करो अभी। लेकिन सर उनकी फांसी तो कल सुबह। नए ऑर्डर्स आए हैं, फांसी आज शाम को होगी 7 बजे। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। चलिए। नहीं, कड़ी नहीं लगाएंगे हम। नहीं जी, आपको तो लगवानी पड़ेगी। ओ भाई, आज बिल्कुल आजाद जाएंगे हम। ओए, जाते जाते किसी को नाराज नहीं करते। लगा ले, लगा ले। चल, तू कह रहा तो ठीक है यार, ला। रहने दो, ऐसे ही ठीक है। शुक्रिया जेलर साहब। देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजा है इंकलाब का डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुशनसीब हैं आप। लकी, वेरी लकी। ओ भगतिया, अब तो रब का नाम ले। माफ करना पाजी, ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। चंगा। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो। हाथ बांधो। कब उन्हें छाड़े खे जो तो प्रेम के ननका जाओ।